हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत कुमार और आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहां पे देखने वाले हैं और ये उनके लिए है जो पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति को जानना चाहते हैं और फोकस स्पेशली है BA फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उनके लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, कंटिन्यू हम यहाँ पर कॉलेज के जो सिलेबस हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर के जो अपने पॉलिटिकल से रिलेटेड जो हैं और जो कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो पे आपको मिलती हैं। तो अब हम देखें कि ये जो है वो BA फर्स्ट ईयर के लिए है और अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं, परंपरागत और आधुनिक। कौन सी है? परंपरागत और आधुनिक। जब हम बात करते हैं तो अपना जो पेपर का जो पहला चैप्टर है वो सिद्धांत के बारे में कहता है। दूसरा चैप्टर आता है अध्ययन पद्धतियाँ, कि हम राजनीति विज्ञान में किन किन अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं या राजनीति विज्ञान को पढ़ते समय कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ हमारे काम आती हैं। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जब हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो हम इन अध्ययन पद्धतियों को शामिल करते हुए अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है अध्ययन पद्धतियाँ और इनका क्या रोल होता है? क्योंकि देखिए, जब भी राजनीति विज्ञान की हम अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ें तो एक अध्ययन पद्धति सफिशियंट नहीं होती है। एक अध्ययन पद्धति ही राजनीति विज्ञान को बेस आधार प्रदान नहीं करती है, तो काफ़ी अध्ययन पद्धति आपस में मिलकर राजनीति विज्ञान को एक सक्षम अध्ययन के तौर पे बनाती है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे इनके बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि अध्ययन पद्धतियों में तो परंपरागत और आधुनिक। तो आज हम इस पार्ट में परंपरागत अध्ययन पद्धतियों को जानने वाले हैं। आधुनिक को हम पढ़ेंगे जिसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार से संबंधित अध्ययन पद्धतियाँ स्पेशली आती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखिए कि जब हम अध्ययन पद्धतियों को पढ़ें तो सबसे मोटे तौर पर अध्ययन पद्धति दो टाइप की होती है, ठीक है ना। दो टाइप की होती है मूल पद्धति, एक तो होती है आगमनात्मक, दूसरी होती है निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब ये होता है कि हम पहले ही विशिष्ट उद्देश्यों और विशिष्ट तथ्यों को समझते हुए, या हम ऐसा कहें विशिष्टता से सामान्य की ओर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपको बताएं, हम किसी भी तथ्य की विशिष्टता से सामान्य की ओर अध्ययन करते हुए बढ़ते हैं, तो ये अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक कहलाती है, ठीक है। और अगर इसके उल्टा हम चलें ऐसे, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलें, तो वो अध्ययन पद्धति होती है निगमनात्मक। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता क्या है, तो ध्यान रखिए जब भी इन अध्ययन पद्धतियों को पढ़ते हैं तो कुछ धारणाएं पहले ही निर्धारित कर ली जाती हैं, तो इनमें तथ्यों को महत्व दिया जाता है और इसमें उदाहरणों के ज़्यादा उस मूल्यों को या उसकी पूर्व धारणाओं को पहले लेके चलते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के बारे में पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों की पहली पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, उसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। वैसे हम बात करें तो ये सिंपल अध्ययन पद्धति, ज़्यादा आपने सोच सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नाम है ना वैसे ही ये अध्ययन पद्धति है। कैसे? तो देखें यहाँ पर नाम क्या लिखे हैं, पर्यवेक्षणात्मक, यानी पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण कब होता है? जब हम कहीं जगह जाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम कुछ सीखते हैं और ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, ठीक है ना, ये हम टीचिंग मेथड को देख रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल के लिए। जो ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण विज्ञान के तौर पर भी बनाता है। भले ही परंपरागत पद्धति हो लेकिन ये वर्तमान से जुड़ी हुई है, वर्तमान से है पुरानी, लेकिन इसमें वर्तमान अध्ययन पद्धति को शामिल किया जाता है। कहीं ना कहीं वास्तविकताओं से संबंधित अध्ययन पद्धति। क्यों? जैसे अगर देखा हो तो ये जो अध्ययन पद्धति है उसको अपनाने वाले विद्वान हैं अगस्त कामटे, मील वगैरह, इन्होंने लगभग अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है। और अगर आपको पता हो कि अगर आप जानते हैं मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, किसने? मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। जो स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी है ना, ये जो लिखी है कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का यूज किया है। ऐसे काफ़ी और भी एग्जांपल आते हैं कि काफ़ी नामचीन विद्वानों ने इस अध्ययन पद्धति का उपयोग अपनी अध्ययन शैलियों में किया है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल और भी दें तो जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक लिखी थी अमेरिकन संघ आधुनिक प्रजातंत्र। तो ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें जो समझाने का जो तरीका है वो पर्यवेक्षणात्मक है। पर्यवेक्षण का मतलब निरीक्षण करना, या हम कहें इस प्रत्यक्ष देखना,
प्रत्यक्ष देखना, समझ रहे हैं ना, प्रत्यक्ष देखना। तो ये अध्ययन पद्धति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिसको देखने के बाद राजनीति विज्ञान में शामिल किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, पर्यवेक्षणागत अध्ययन पद्धति है, पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करते हुए सीखना। तो जैसे अगर बात कर लें, पहले के जो विद्वान है वो क्या करते थे, यात्रा के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो लिख देते थे, यानी खुद सेल्फ महसूस करना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में उस चीज़ को अनुभव करना और उनको फिर लिखना। और इस तरह की जो विधि है वो ये है विधि है पर्यवेक्षणात्मक विधि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पर्यवेक्षणात्मक विधि की जब हम बात करें कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ऐसे अध्ययन पद्धति को लिमिटेशन के तौर पे भी कुछ तथ्य जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखना है ये वास्तविकता से और रियलिटी से जुड़ी हुई अध्ययन पद्धति, लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं, तो सीमा में ध्यान रखें, यानी लिमिटेशन। लिमिटेशन ये है कि ये जो अध्ययन पद्धति है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम राजनीति विज्ञान में पढ़े तो इस अध्ययन पद्धति के द्वारा हर कोई राजनीति विज्ञान को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इस अध्ययन पद्धति के द्वारा, जैसे मान लीजिए हमें ब्रिटेन के संविधान को समझना, तो ब्रिटेन जाना पड़ता है क्योंकि प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। अमेरिका की राजशासन व्यवस्था देखनी, संघात्मक व्यवस्था देखनी, तो हमें अमेरिका जाके समझना होगा, यानी प्रत्यक्ष जाके अनुभव करके हमें वो अध्ययन समझना होता है। तो इस तरह से जो पर्यवेक्षण अध्ययन पद्धति है वह हर किसी के लिए सुविधाजनक नहीं होती है। इस तरह से ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यक्ष और अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसकी दूसरी लिमिटेशन की बात करूँ तो कुछ भावावेश में किसी दूसरी जगह की प्रत्यक्ष चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देता है और वो हूबहू लिख देता है। तो ये भी ध्यान रखना, जो भी अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं उसमें जब हम लिखें या जब इस अध्ययन पद्धति को अपनाया जाए तो इसमें जो चीज़ें हैं वह एक तट तक हमारे साथ रहनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर घुल मिल जाए और हम भावावेश हो जाएं। इतना भी भावावेश नहीं होना है कि हम अब कुछ लिमिट भूल जाएं। तो ये अध्ययन पद्धति आपको समझ में आ गया। इसकी लिमिट है वो दो है, ये है कि ये अध्ययन पद्धति सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। दूसरी, इसके द्वारा अध्ययन करते समय हमें अपने जो उद्देश्य होते हैं और जो भाव होते हैं उसको समझते हुए रखना है कि ये अध्ययन पद्धति कितनी इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने समझा हो ऐतिहासिक शब्द से ही आपको पता लग जाएगा कि ये अध्ययन पद्धति कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐतिहासिक का मतलब होता है अतीत। तो राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अतीत से सीखते हुए शामिल की गई है, यानी हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं ना तो कभी कभार हमें अतीत की चीज़ों का भी जिक्र होता है, यानी ऐतिहासिक पद्धति राजनीति विज्ञान में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो हमें कभी ना कभी अतीत का सहारा लेना पड़ता है, यानी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को हम अपनाते हैं। जैसे बात करें 1935 में शासन व्यवस्था कैसी थी और अब कैसी है, तो यानी हम पिछला बैकग्राउंड देखते हैं, अतीत में जाकर देखते हैं और वही वर्तमान में कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि इतिहास इसलिए इतिहास रह जाता है क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती है, इसलिए वो अध्ययन पद्धति पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान को पढ़ते समय हमें राजनीति से जुड़े हुए अतीत को जानना जरूरी होता है। राजनीति से जुड़ी अतीत घटनाएं ताकि क्या हो, हम भविष्य में प्लान बना सके। ऐसा भी होता ना कि अतीत में कुछ गलतियां हुई है जिसको सुधारने के लिए हम भविष्य में कोई काम कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य विशेषताएं हैं जिनको समझने के लिए हमें अतीत का सहारा लेना पड़ता है, यानी हमें राजनीति विज्ञान के लिए कभी ना कभी ऐतिहासिक पद्धति को भी अपनाना पड़ता है। ये चीज़ आपको पता होगी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे देखें तो इस अध्ययन पद्धति को लॉस्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू और हीगल ने अपनाया था। अगर आप चाहें इस पद्धति को इसने अपनाया, क्योंकि आपको लिखना होगा, बड़ा प्रश्न आता है। तो ये कुछ विद्वानों को मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, ठीक है ना, ये वो विद्वान जिन्होंने अपने अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को शामिल किया था। तो अब जब इसकी हम बात करें तो लॉस्की ने एक बात कही थी कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, यानी ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं हमने इतिहास से फॉलो करके इसको बनाया है, या इतिहास के नींव पर राजनीति टिकी हुई है, ऐसा ये मानना है। तो आप भी समझ गए होंगे, जब हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो हमें कभी ना कभी अतीत की कुछ घटनाओं का सहारा लेते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति को समझना होता है। तो ये होती है
ऐतिहासिक पद्धति। अब इस पद्धति को जब हम अपने अध्ययन में शामिल करें, कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं ये होती है कि अतीत की हर कोई घटनाएं वर्तमान उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती हैं। समझ में आ रहा होगा, जैसे हम बात कर लें कि ऐसी भी कुछ घटनाएं होती हैं जो अतीत में राजनीति के घटनाक्रम में, मान लीजिए कि क्रांति हुई है या कुछ भी हुआ है, तो वो घटनाएं आज काम में नहीं आती है। क्योंकि देखिए, अभी इतिहास में जो भी घटना होती है ना, उसका कोई कारण रहा होता है, तब वो घटना घटती है और परिवर्तन होता है। लेकिन उसी चीज़ को हम वर्तमान में फॉलो कर तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय का व्यवस्था या उस समय की परंपरा, सिस्टम, या वो समय ही अलग था और वर्तमान समय अलग है। तो हर चीज़ें हम अतीत से वर्तमान में नहीं जोड़ सकते हैं, या अतीत की हर कोई चीज़ वर्तमान उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। तो अतीत में कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्तमान उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अतीत भी एक लिमिटेशन तक होता है। इसके बाद हमें वर्तमान भविष्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन को और जारी रखना होते हैं। तो पूरी तरह से हम इस अध्ययन पद्धति को नहीं अपना सकते, क्योंकि इसमें अतीत से जुड़े कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं, या अतीत में जो घटनाएं घटी है वो किसी और कारण से घटी है, तो उसके आधार पे हम अध्ययन जारी नहीं रख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। ये आपको पता होगा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है। राजनीति विज्ञान में इसका बहुत बार यूज होता है। जब हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस मेथड का भी यूज करते हैं। तुलनात्मक यानी तुलना, नाम से ही पता है, तुलना। जैसे हम देखें कि एक अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी हो, राजनीति विज्ञान के लिए अगर हम समझें, तो हम क्या करते हैं, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को समझते हैं, भारत की समझते हैं, अमेरिका की समझते हैं, और किसी देश की, सभी की तुलना करते हैं कि कौन सा शासन बढ़िया है, और उसकी बातों को हम एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था बनाते हैं। तो यही यहाँ पर है, यानी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का मतलब है जो राजनीति विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें तुलना करनी पड़ती है दो या तीन के मध्य, और उसके बाद हम एक व्यवस्थित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो यही है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। अब जैसे आपको बताएं, ये अगर आप ध्यान रखें तो मैं चीज़ें और कुछ बताऊँ आपको। तो अगर आपको पता हो, अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद अपनी संविधान के बारे में विचार दी थी, संविधान के बारे में विचार दिए, या हम कहें इसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक पुस्तक है, उसने काफ़ी देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद लिखी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने राजनीति विज्ञान को और अच्छा एक व्यवस्थित तरीका या नज़रिया देने के लिए हम विभिन्न तरह की तुलनाओं को भी शामिल करते हैं कि फलाने देश की शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ के राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है, वहाँ का राष्ट्रपति का पावर क्या है, हमारा क्या है, वो शासन व्यवस्था क्यों बढ़िया है, ये क्यों कम है। तो इस तरह से हम राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने के लिए तुलनात्मक नज़रिया भी अपनाते हैं, यानी कंपेरेटिव मेथड, जिसके द्वारा हम एक अच्छी व्यवस्थित नॉलेज को समझ सके या राजनीति को एक बढ़िया मुकाम दे सके। तो राजनीति विज्ञान अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट होती जाती है, क्योंकि वह तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें शामिल होता है। अब इसकी कुछ चीज़ें अगर आप नोट करना चाहें, तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था, तो कहीं ना कहीं जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं ये विभिन्न संगठनों की तुलना करके राजनीति विज्ञान को और उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक बनाती हैं। और सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के जो जनक अरस्तु ने भी तुलनात्मक नजरिया ही अपनाया था राजनीति विज्ञान के लिए। अब बात करिए, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलनात्मक व्यवस्थाओं के जरिए हम राजनीति के अध्ययन को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट हैं, वो लिमिट ध्यान रखिए। पहली, जब भी हम अगर तुलना करें राजनीति विज्ञान के किसी भी संदर्भ में, तो हमें समान तत्वों की तुलना करनी होगी। समान तत्वों की तुलना, जो तत्व हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम तुलना कर रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, तो ये तुलना गलत होती है। तुलना का मतलब एक लेवल होना चाहिए, एक व्यवस्थित लेवल होना चाहिए जिसकी तुलना होती है। अब हम शक्ति तुलना बात करें, जैसे हम बात करते हैं होशियार लड़के की, तो अगर एक स्कूल में एक होशियार और एक सबसे
सबसे कमज़ोर बच्चे की तुलना करते हैं तो ये तुलना नहीं होती है। तुलना किसकी होती है? हमारे स्कूल का सबसे कॉलेज या हमारे कॉलेज का सबसे होशियार और अदर कॉलेज का होशियार है, उसकी परीक्षा लो और तुलना करके बताओ कि कौन बढ़िया है। तो वो एक लेवल होता है तुलना का। तो तुलना भी समान तत्वों और समान उद्देश्यों और समानताओं के ऊपर होनी चाहिए। असमान तथ्यों की तुलना करने पर जो परिणाम होता है वो गलत होता है। तो राजनीति विज्ञान में जब हम तुलना करें तो कुछ समान उद्देश्य लें, जैसे इस देश की शासन व्यवस्था को इस देश से कंपेरिजन करें। अब एक जगह लोकतंत्र है और एक जगह राजतंत्र है। अब इस दोनों की शासन व्यवस्था की तुलना करना करें तो राजनीति विज्ञान के लिए कहीं इंपोर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तो लोकतंत्र है, एक राजतंत्र है। अगर दोनों जगह लोकतंत्र हैं फिर तुलना करें कि कौन सा बढ़िया लोकतंत्र है तो रिजल्ट भी सही आता है। तो पहला जो सीमा है वो समान तत्वों की तुलना होनी चाहिए, अदरवाइज जो परिणाम है वो गलत आ सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो तुलना करते हैं तो तुलना के दौरान हमें विभिन्न संस्थाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ भी देखनी होती हैं कि फलाने देश में, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की शासन व्यवस्था इतनी बढ़िया क्यों है और पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर क्यों है या इंडिया की इतनी कमज़ोर क्यों, तो ये भी एक मायने रखता पॉइंट कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था मजबूत है तो शासन भी बढ़िया चल रहा है, राजनीति भी वहाँ पर व्यवस्थित है। लेकिन किसी देश की राजनीति बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है ना, बहुत ही कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्थिक समाज ही विस्तृत नहीं है। तो तुलना करते समय हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण भी देखना होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको आ गई। अब हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक पद्धति। राजनीति विज्ञान में जब हम राजनीति को समझते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक मेथड का भी यूज करना होता है। ये मेथड कैसे? जैसे अगर आपको पता हो तो प्राकृतिक विज्ञान होती है, उसकी एक प्रयोगशाला होती है और वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग के बाद कोई नियम सिद्ध किए जाते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान भी एक प्रयोगशाला मेथड ही, कैसे? क्योंकि राजनीति विज्ञान के लिए जब पूरा विश्व है ना, ये एक प्रयोगशाला है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हर बार कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं ताकि राजनीति और राजनीति को समझने का एक दृष्टिकोण मिले। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, भारत के अंदर 1919 में द्वेष शासन लागू हुआ था द्वेष शासन। तो इस समय ये ट्रायल किया था कि क्या भारत में द्वेष शासन लग सकता है। ये प्रांतों में द्वेष शासन लागू किया था, कहाँ पे? प्रांतों में। लेकिन यह असफल रहा। तो इस तरह से 1935 के अंतर्गत जब भारत का शासन अधिनियम बना तब ये जो द्वेष शासन था, ठीक है ना, वह केंद्र में लागू कर दिया। कहाँ कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान एक प्रयोगशाला की तरह ही है जिसमें के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं, नए नित्य दिन प्रयोग करते हैं और राजनीति विज्ञान को और समझते हैं। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक प्रयोगशाला की तत्व भी है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में हम तब तक प्रयोग करते हैं जब तक कि उसका अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाए। तो हम दूसरे प्राकृतिक विज्ञान में क्या करते हैं, प्रयोग को दोहरा सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम प्रयोगशाला मेथड का यूज़ करें तो उनके प्रयोगों को वापस से पुनः दोहराव नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब इस जो प्रयोगात्मक पद्धति है ये इसलिए राजनीति विज्ञान में उपयोग है क्योंकि कभी कभार हम कुछ व्यवस्थाओं को परखना चाहते हैं कि क्या फलानी व्यवस्था सफल होगी, क्या ये संविधान सफल होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन व्यवस्थाओं को सफल करने के लिए राजनीति विज्ञान में उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ट्रायल के रूप में करते हैं। जैसे बात करें 1959 में पंचायती व्यवस्था लागू की थी, पंचायती, ठीक है ना, लागू की थी, लेकिन ये असफल होगी क्योंकि हर भारत की हर गांवों में पंचायती व्यवस्था नहीं जम पाई थी। तो फिर क्या हुआ, 1973 के अंदर, 1973 और 74, या ये चलो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना संविधान का संशोधन हुआ था, संविधान में एक संशोधन किया था, 73वां संशोधन और 74, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब पंचायती राज व्यवस्था सही से चल सकी या कायम हुई। तो ये हमने प्रयोग किए। तो राजनीति विज्ञान के कुछ ऐसे पहलुओं को हमें समझने के लिए प्रयोगात्मक मेथड का भी यूज करना पड़ता है। लेकिन इसके अगर लिमिट की हम बात करें तो लिमिट में रखते समय ये ध्यान रखना है कि इसके जो प्रयोग है पुनः दोहराए नहीं जा सकते, दोबारा बार बार एक ही तथ्य के ऊपर हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। या जिसको हम अगर कहें तो राजनीति विज्ञान के पूर्णतः प्रमाणिक मापन व्यवस्था का अभाव है, यानी जिस तरह से दूसरे साइंस में जो प्रयोग करने के बाद जो परिणाम निकलता है ना, हर बार अगर प्रयोग करें तो वही परिणाम निकलता है, ऐसा राजनीति विज्ञान में नहीं होता है। तो राजनीति विज्ञान की अपनी कुछ सीमाएं हैं जो इसमें ध्यान रखनी होती है। फिर लास्ट हमें पढ़ना है दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति। लेकिन
अगर आप चाहें तो ध्यान रखें कि प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति है वह गिलक्रिस्ट ने अपने यूज मतलब काफ़ी इसका यूज किया था। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का मैंने अरस्तु वगैरह काफ़ी विद्वान बताए थे, और तुलनात्मक पद्धति की और अगर लिखनी चाहें आप विद्वानों के नाम जो डॉक्टर हरमन फाइनर भी लिख सकते हैं। अब दार्शनिक अध्ययन पद्धति, तो इसका उपयोग है वह प्लेटो, प्लेटो एक फिलोसोफर माना जाता है, तो दार्शनिक अध्ययन पद्धति का सबसे पहले प्रयोग प्लेटो ने किया था। इसके अलावा और भी विद्वान थे जैसे थॉमस मूर, प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, क्या थी और थॉमस मूर की थी यूटोपिया। ये जो दो पुस्तक है ना, इन पुस्तकों में उसने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विचार थे वो दार्शनिक मेथड के रूप में दिए। दार्शनिक मेथड या ये मेथड वो है जो अपने विचार देता है, वे विचार क्या ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, यानी इमेजिनेशन। राजनीति विज्ञान के लिए ऐसे विचार जो व्यवहारिक धरातल पे उनका वजूद शायद ही हो या कम होता है, लेकिन ये काल्पनिक ज़्यादा होते हैं। जैसे रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें तीन कैटेगरी के लोग होंगे, राज्य की संख्या 5040 होनी चाहिए। तो ये जो विचार दिए वर्तमान में ये लगभग लागू नहीं होते हैं, लेकिन उनके विचार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कल्पनाएं होती है जो राजनीति विज्ञान को समझने के लिए काम आती है, तो इसलिए दार्शनिक अध्ययन पद्धति को भी शामिल किया जाता है। लेकिन दार्शनिक अध्ययन पद्धति की लिमिट ये है कि ये कोई कल्पनाएँ होती है, वास्तविकता समझ नहीं होता। जैसे कहा था ना, ये तो बहुत फिलोसॉफी झाड़ रहा है, मतलब हकीकत में उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो कह रहा है, हकीकत में वो कोई नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से राजनीति विज्ञान के मेथड को देखें तो दार्शनिक मेथड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा यूटोपिया थॉमस मूर ने और प्लेटो रिपब्लिक के द्वारा हमें एक नज़रिया एक दृष्टिकोण दिया था राजनीति के कुछ मूलभूत उद्देश्य को समझने के लिए। लेकिन इसको हम हमेशा के लिए यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा काल्पनिक रहती है। तो अगर हम अंत में कहें कि कौन सी अध्ययन पद्धति बढ़िया है, तो यह ध्यान रखना कि कोई भी अध्ययन पद्धति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। राजनीति विज्ञान और उसके अध्ययन को हमें समझने के लिए हम कभी ना कभी इन अध्ययन पद्धतियों को सामूहिक रूप में यूज़ करना होता है, यानी ये सामूहिकता के रूप में अगर हम इसका यूज़ करें तो अध्ययन पद्धति काफ़ी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे राजनीतिक ज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत ही धन्यवाद दिल की गहराइयों से। थैंक यू।